एक व्यूअर ने पूछा है कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, तो आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सीखें कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है। सफिक्स और प्रीफिक्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको अफिक्स जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखें कि अफिक्स क्या है। अफिक्स वह सिलेबल है यानी शब्दांश है या अल्फाज है जो किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में आकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। यानी अफिक्स वो सिलेबल होते हैं, वो अल्फाज होते हैं या वो शब्दांश होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में आते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है पॉसिबल, जिसका मतलब होता है मुमकिन, लेकिन इसके पहले जब एक अफिक्स आता है जो है आईएम, तो ये बन जाता है इम्पॉसिबल और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है जो है नामुमकिन। यहाँ मैंने लिखा है टीच, जिसका मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन जब इसमें एक अफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी जब इस वर्ड के लास्ट में ईआर जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है टीचर और इसका मीनिंग चेंज होकर हो जाता है पढ़ाने वाला यानी उस्ताद। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं अफिक्स। अफिक्स दो तरह के होते हैं, पहला सफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स। जो सिलेबल उस वर्ड के पहले जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो सिलेबल यानी जो अल्फाज या जो शब्दांश उस वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। यहाँ मैंने पॉसिबल के पहले लिखा आईएम, तो यहाँ पर आईएम प्रीफिक्स है। जबकि दूसरे एग्जांपल में टीचर के बाद मैंने लिखा ईआर, जो हो गया था टीचर, तो यहाँ पर ईआर सफिक्स है। तो आइए अब सीखें कि सफिक्स कितने तरह के होते हैं और प्रीफिक्स कितने तरह के होते हैं, फिर हम बहुत सारा एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। आइए सबसे पहले सफिक्स के बारे में जाने यानी उन शब्दांश के बारे में जाने या उन अल्फाज के बारे में जाने जो किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है, और ये होते हैं एस ई एस डी ई डी आई एन जी वाई एल वाई आई एस एच ई आर ई एच टी नेस लेस हुड फुल सिप एटसेट्रा। ये सभी वर्ड सफिक्सेज हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं। आइए अब देखें कुछ प्रीफिक्स ताकि आप इन्हें अच्छा से पहचान सकें। ये होते हैं अन डिस डी प्री री इम इर इल इन ओवर आउट अप सब प्रो फॉर मिस। ये सभी होते हैं प्रीफिक्सेस। आइए अब सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम किसी वर्ड को नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब्स बनाने के लिए करते हैं। यानी सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं चारों के लिए करते हैं जो है नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स और एडवर्ब्स। कैसे करते हैं आइए सबसे पहले सफिक्स का एग्जांपल देखें, उसके बाद हम प्रीफिक्स का एग्जांपल देखेंगे। आइए सबसे पहले सफिक्स एस का इस्तेमाल देखें। वर्ड काउ एक सिमिलर नाउन है जहां सफिक्स एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है, जैसे काउ से काउज, डॉग से डॉग्स, बॉय से बॉयज। सफिक्स ईएस का इस्तेमाल, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, रिच का रिचेस। सफिक्स डी का इस्तेमाल, डेयर का डैड, प्रूफ का प्रूव्ड। सफिक्स ईडी का इस्तेमाल, प्ले से प्लेड, वर्शिप से वर्शिप्ड। सफिक्स ईएन का इस्तेमाल, बीट से बीटन, ब्लैक से ब्लैकन। सफिक्स आईएनजी का इस्तेमाल, ईट से ईटिंग, डू से डूइंग। आइए सफिक्स वाई का इस्तेमाल देखें, डर्ट का डर्टी, वाटर का वाटरी। सफिक्स एलवाई का इस्तेमाल, स्लो से स्लोली, काइंड से काइंडली। स्लो का मतलब होता है धीरे, जबकि स्लोली का मतलब होता है धीरे से, यानी काइंड का मतलब होता है दयालु, जबकि काइंडली का मतलब होता है दयालुता से या मेहरबानी से। सफिक्स ईआर का इस्तेमाल, स्मॉल से स्मॉलर, टीच से टीचर। सफिक्स ईएसटी का इस्तेमाल, स्मॉल से स्मॉलेस्ट, ग्रेट से ग्रेटेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, जबकि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ग्रेट मींस महान, जबकि ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान। चाइल्ड से चाइल्डिश, फूल से फूलिश। आइए सफिक्स फुल का इस्तेमाल देखें, हार्म से हार्मफुल, केयर से केयरफुल। आइए अब सीखें प्रीफिक्स का इस्तेमाल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रीफिक्स वो सिलेबल होते हैं या वो शब्दांश होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में जोड़े जाते हैं
जैसे काइंड से अनकाइंड, यानी काइंड का मतलब होता है दयालु, लेकिन अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। यहाँ मैंने प्रीफिक्स अन का इस्तेमाल करके काइंड को अनकाइंड कर दिया, जैसे वाइज से अनवाइज और ड्रेस से अनड्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तीनों वर्ड्स में मैंने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया है, यानी मैंने उस सिलेबल को उस वर्ड के पहले लिखा है, और जो सिलेबल या जो शब्दांश किसी वर्ड के पहले जोड़े जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं जो अलग अलग वर्ड्स के पहले जोड़े जाते हैं। आइए एक एक करके इन सभी प्रीफिक्सेस को सीख लें। आइए सबसे पहले देखें प्रीफिक्स डिस का इस्तेमाल। ऑनर मिस होता है इज्जत, लेकिन डिसऑनर का मतलब होता है बेइज्जत। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑनर में मैंने एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया है जो है डिस। इसी तरीके से ऑनेस्ट को हम कर देते हैं डिसऑनेस्ट। क्लोज का हो जाता है डिसक्लोज, यानी क्लोज मीन्स बंद, जबकि डिसक्लोज का मतलब होता है खुला हुआ। आइए देखे प्रीफिक्स डी का इस्तेमाल। जब वर्ड ग्रेड में हम प्रीफिक्स डी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है डी ग्रेड। फॉर्म से हो जाता है डी फॉर्म, और वैल्यू से हो जाता है डी वैल्यू। आइए देखें प्रीफिक्स इम का इस्तेमाल, जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल। जैसा कि आपको मालूम है, पॉसिबल में संभव या मुमकिन, और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव या नामुमकिन। मॉर्टल यानी मरणशील या नाशवान, जबकि इमॉर्टल का मतलब होता है अमरणशील यानी अमर। प्रॉपर से हो जाता है इम्प्रॉपर। आप यहां देख सकते हैं, इन तीनों वर्ड्स में मैंने प्रीफिक्स इम का इस्तेमाल किया। आइए सीखे प्रीफिक्स प्री का इस्तेमाल। जब वर्ड कासन में हम प्रीफिक्स प्री का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है प्रीकासन। फिक्स बन जाता है प्रीफिक्स, हिस्ट्रिक बन जाता है प्री हिस्ट्रिक। आइए देखे प्रीफिक्स री का इस्तेमाल, जैसे कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, लेकिन जब यहाँ पर प्रीफिक्स री का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है रिकलेक्ट। काल हो जाता है रिकाल, गेन हो जाता है रिगेन। आइए सीखे प्रीफिक्स इर का इस्तेमाल। जैसा कि आपको पता है, रेगुलर मीन्स नियमित, लेकिन जब यहाँ प्रीफिक्स इर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है इररेगुलर यानी अनियमित। रिलीवेंट से हो जाता है इररिलीवेंट, और रिलीजियस से हो जाता है इररिलीजियस। आइए देखें प्रीफिक्स इन का इस्तेमाल। जब हम वर्ड डायरेक्ट में प्रीफिक्स इन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट। डोर बन जाता है इनडोर, डेफिनेट बन जाता है इनडेफिनेट। इल का इस्तेमाल यानी IL। इल का इस्तेमाल हम लीगल के साथ करते हैं तो ये हो जाता है इलीगल। लिटरेट से हो जाता है इलिटरेट, लीजिबल से हो जाता है इलिजिबल। आइए सीखे प्रीफिक्स EN का इस्तेमाल। रिच मीन्स अमीर, लेकिन इनरिच का मतलब होता है अमीर बनना। क्लोज से बन जाता है इनक्लोज, और एबल बन जाता है इनएबल। आइए सीखे प्रीफिक्स मिस का इस्तेमाल। जब टेक के साथ हम प्रीफिक्स मिस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है मिस्टेक यानी गलती। अंडरस्टैंड में जब हम प्रीफिक्स मिस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंड। उसी तरीके से यूज हो जाता है मिसयूज। आइए देखें प्रीफिक्स ऑटो का इस्तेमाल। बायोग्राफी में जब हम प्रीफिक्स ऑटो का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। आइए देखें प्रीफिक्स एस्ट्रा का इस्तेमाल। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण यानी आम, लेकिन जब हम यहाँ पर प्रीफिक्स एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण या खास। आइए सीखे प्रीफिक्स बी का इस्तेमाल। जब लिटल में हम प्रीफिक्स बी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है बी लिटल। आइए अब सीखें बी का इस्तेमाल यानी BI। जब हम लिंगुअल के साथ प्रीफिक्स बी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है बाइलिंगुअल यानी बहुभाषी। आइए देखें प्रीफिक्स EX का इस्तेमाल। मिनिस्टर के साथ जब हम प्रीफिक्स EX का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है एक्स मिनिस्टर यानी भूतपूर्व मंत्री। CO को एक प्रीफिक्स है, जैसे एग्जिस्ट से हो जाता है को एग्जिस्ट। आइए सीखे प्रीफिक्स इंटर का इस्तेमाल। जैसे नेशनल के पहले जब हम प्रीफिक्स इंटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है इंटरनेशनल। आइए अब देखिए प्रीफिक्स सब का इस्तेमाल। जब वर्ड जज के साथ हम प्रीफिक्स सब का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है सब जज। एंटी एक प्रीफिक्स है, जैसे सोशल से हो जाता है एंटी सोशल। अंडर एक प्रीफिक्स है, जैसे स्टैंड से अंडरस्टैंड। अप एक प्रीफिक्स है, जैसे लिफ्ट से अपलिफ्ट। आउट एक प्रीफिक्स है, जैसे ब्रश्ड से आउट ब्रश्ड। ओवर एक प्रीफिक्स है, जैसे क्राउड से ओवर क्राउड। फॉर एक प्रीफिक्स है, जैसे सी से फॉर सी। आइए सीखे अब प्रीफिक्स सुपर का इस्तेमाल। जब मैन के साथ हम प्रीफिक्स सुपर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है सुपरमैन।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सफिक्स और प्रीफिक्स शानदार तरीके से समझ में आया कि कौन कौन से सिलेबल यानी शब्दांश सफिक्स होते हैं और कौन कौन से सिलेबल यानी शब्दांश प्रीफिक्स होते हैं। और आपने यहाँ ये भी समझा कि अफिक्स सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप एक कम्प्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।